ठीक आइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉक कैसे हो आप सब आई होप यू ओल डूइंग गुड सो आज जो दिन है आ, वैसे तो आज वेडनेसडे है बट ये वीडियो दो दिन पहले का है मंडे का वीडियो है ये मैंने इस वीडियो की एडिटिंग कर दी थी बट पता नहीं क्या हुआ इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था तो दोबारा मैं इस वीडियो को आ, एडिट कर रही हूँ तो वीडियो थोड़ा सा लेट जाएगी ये नहीं पता आ जाएगी या कल जाएगी अभी कोई पक्का नहीं पता है तो आ, तो अभी मैं जो अपने कपड़ों पे आयरन कर रही थी और मैं ऐसे नहीं है कि डेली के डेली कर लेती हूँ कभी कभी होता है कि जैसे ही कपड़े सूख जाते हैं तो मैं आयरन कर लेती हूँ बट कई बार आलस की वजह से ऐसे ही रख देती हूँ तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो ये देखिए आज बहुत ज़्यादा हो रखे हैं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था मुझे और अभी जो टाइम है वो दो बज चुके हैं और साथ ही साथ आ, कथा भी शुरू हो गई है ये देखिए पुराण अभी गुरु पूर्णिमा के उत्सव के लिए एक कथा जो है वो शुरू हो रही है और इस ये वाली कथा ना बहुत ही अच्छी बहुत अच्छी मुझे ये वाली कथा लग रही है वैसे तो कथा सारी अच्छी होती है बट इस वाली में तो कथा में ना बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हुई है तो बच्चों के साथ बैठ के जरूर सुनना चाहिए कथा को और यहाँ पे देखिए आज हमारे घर पे बने हैं दही बल्ले जी हाँ दही बल्ले आज हमने बनाए हैं रोज के रोज़ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने चटनी बना ली जिसको सोंठ भी बोलते हैं जो मतलब कि जो चाट होती है उसके साथ इमली की चटनी ना हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर कोई चाट का तो यहाँ पे देखिए ये घोल बनाया है जो उड़द दाल का घोल होता है जो भल्ले होते हैं उनको बनाने के लिए रात को हमने इसको भिगो के रख दिया था दाल को और वाँचे वाँचे। सुबह इसको अच्छे से पानी में निकाल के इसको मिक्सी में अच्छे से इसका घोल बना लिया है और ये देखिए आज भी वही सेम वही प्रोसीज़र हो रहा है मेरे साथ मतलब कि आ, ऐसा नहीं है कि दही भल्ले अच्छे नहीं बने थे बहुत ही टेस्टी मैं कहूँगी कि मतलब कि बहुत ज़्यादा टेस्टी दही बल्ले बने थे बट वही इशू था थोड़ा सा शेप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है पता नहीं क्या चेक करें पता नहीं थोड़ा सा ये होता है ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस का भी होता है जिस चीज़ को हम करते रहते हैं ना उस चीज़ का हम एक्सपीरियंस होता रहता है तो ये हमारा फर्स्ट टाइम था तो इसलिए थोड़ा सा शेप में ही प्रॉब्लम हुई अदरवाइज किसी और चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी तो आज दही बल्ले की पार्टी हमने की थी और अभी बस दो दिन बाद फिर श्रावन शुरू हो जाएगा ना तो उसके बाद दही वगैरह कुछ भी नहीं खाने जैसे कड़ी आ, कड़ी भी नहीं खा सकते ना और ये देखिए पहले तो मैंने हाथ से कोशिश की थी अब मैंने एक वीडियो देखी थी तो उसमें बता रहे थे अगर आपके हाथ से शेफ ना आए तो आप चम्मच की हेल्प से भी जो स्पून खाने वाले स्पून होती मीडियम साइज़ की उसकी हेल्प से भी आप जो भले हैं वो बना सकते हो बट हाथ से फिर भी ठीक ठाक बन रहे थे और स्पून वाले ने तो बिल्कुल ही गजब ढा दिए तो ये देखिए कुछ पहले बने हुए थे वो पानी में डाल के रख लिए क्योंकि जब इनमें पानी पानी हम में इनको रखते हैं ना तभी भले जो होते सॉफ्ट हो जाते हैं तभी इनका जो चाट बनती है वो अच्छी बनती है और अब यहाँ पे मैं दही फेंट रही हूँ दही जो वैसी होती है ना थोड़ी सी आ, उसको हमें अच्छे से मिक्स इसको कर लेना थोड़ा सा पतला करना पानी नहीं डालना होता है इसमें बस एक अच्छे से इसको मिक्स कर लेना होता है बिल्कुल जो मार्केट स्टाइल दही भल्ले होते हैं बनाने की वो ही कोशिश कर रहे थे टेक्सचर बिल्कुल हमारा तैयार है दही भल्ले वाले का मतलब दही ऐसे ही बनती है दही भल्ले के लिए और ये देखिए जो कटोरियाँ होती है वो भी हमारे पास रखी थी किसी चीज़ के लिए हमने मंगवाई थी तो बची हुई थी तो हमने सोचा चलो इनमें सर्विंग करते हैं आज बिल्कुल शादी वाला जो नहीं बल्ला होता ना उसका मजा लेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो मैंने पहले पानी में भिगो के रख दिए थे उनको निकाल के हम इनको अच्छे से मतलब कि इनको ना ज़्यादा प्रेस नहीं करना आपने मतलब कि हल्का सी आपको उसको दबाव डालना है अदरवाइज इनको थोड़ा सा ना फूटने का डर रहता है ऐसा नहीं कि टेस्ट में थोड़ा सा अलग हो जाएगा बस थोड़ा सा देखने में होता है और जो ये लास्ट वाले थे ना ये मैंने बाद में बनाए थे तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा वाइट है दो तो और वो थोड़े से ब्राउन है इनका रीज़न यही है कि मैंने बाद में भिगोए थे ना तो इनको कम ही टाइम था तो इसके वजह से ही टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था जो ये पहले वाले दही भल्ले थे ये टेस्ट में अच्छे लग रहे थे और वो दो जो लास्ट वाले थे ना उनमें थोड़ा सा ना मतलब कि था थोड़ा सा फर्क तो यहाँ पे देखिए दही हमने डाल दिया है दही भल्ले पे और इसके ऊपर जो पापड़ी होती है ये हमने घर पे नहीं बनाई होती रेडीमेड पापड़ियाँ हैं तो उसको ही थोड़ा सा आ, ऐसे क्रश करके डाल देंगे जो भी चीज़ें घर पे अवेलेबल थी वो वो हमने यूज़ कर ली ज़्यादा हमने फिर ज़्यादा मतलब कि वैसे तो आप इन पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो लाइक अनार के दाने होते हैं या फिर कुछ भी आप ले लीजिए और यहाँ पे देखिए ये जो हमने सोट बनाई थी ना सोट बहुत अच्छी बनी थी इसमें थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स भी डाले हुए थे जिसकी वजह से जो उसका टेस्ट था वो बहुत ही अच्छा हो गया था और अभी भी बची हुई है थोड़ी थोड़ी से हम यूज़ कर रहे हैं तो ये देखिए हमारी जो चाट है वो बन के तैयार होने वाली है और इसके ऊपर हम बारी बारी से जो काला नमक होता है काली मिर्च होती है भुना हुआ जीरा चाट मसाला सारा हम इस पर ऐड कर देंगे और जो साइड में थोड़ी सी नमकीन रखी हुई है भुजिया जिसको बोलते हैं वो भी हमने थोड़ी सी रखी थी हमारे पास तो वो भी हमने डाल दी कोशिश पूरी की है और फाइनली रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था खाने के बाद बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि घर कि का बना हुआ दही वाला है ऐसा लग रहा था बिल्कुल रेडीमेड है तो ट्राई करते रहना चाहिए ना ये देखिए अभी जो कान्हा जी को हमने भोग लगाया था वही भोग मैं अंसी और राम को दे दूंगी पहले बच्चों को हम दे देंगे वैसे इसमें ज़्यादा हमने तीखा इसमें ऐड नहीं किया कोई लाल मिर्च वैसे भी अलग से ऊपर से डाल देते हैं ना तो वो भी हमने इसमें नहीं डाला तो ऐसे ही सिंपल बच्चों के लिए तो और कान्हा जी के लिए तो ऐसे ही रखा हुआ है और यहाँ पे देखिए मैं अपनी वीडियोस खुद ही देख रही हूँ मतलब कि मुझे अपनी वीडियोस देखना बहुत अच्छा लगता है पता नहीं क्यों तो यहाँ पे मैंने एलईडी में लगाई हुई है तो वाइज़ आज का जो ब्लॉग है वो यहीं तक मैंने शूट किया है आई होप आप सभी को पसंद आया होगा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर जय श्री कृष्णा जय श्री राधे